गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 के सवाल। इसमें प्रश्नावली है हमारी 3.4, क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट है। सवाल करेंगे इसमें साइन ए प्लस बी बटे साइन ए माइनस बी बराबर, हमें लाके दिखाना है यहाँ पे tan a प्लस tan b बटे tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b इतना लाके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लेफ्ट साइड लेके चलेंगे l h s, क्या हमारी ये साइन ए प्लस बी बटे साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ इसका सूत्र ओपन कर देंगे हम इधर, तो क्या बनेगा ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन में, यही काम करेंगे फिर से, सूत्र खोलेंगे इसका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अंश में हम क्या करेंगे कॉस ए, अंश है हमारा, यहां से कॉस ए कॉमन लेंगे और यहां से भी कॉस ए कॉमन लेंगे, ठीक है। यानी अंश और हर दोनों से कॉस ए कॉमन ले रहे हैं हम, तो या फिर एक काम करें अंश में कॉस ए तथा हर में भी कॉस ए से भाग, ठीक है। अंश तथा हर में कॉस ए से भाग, अंश व हर में कॉस ए से भाग, से भाग, अंश में भाग करो कॉस हर में भी करेंगे, तो जैसे ही अंश में भाग करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए अंश में पहले पूरे अंश में कॉस ए से भाग करेंगे तो ये बनेगा साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे आएगा साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी तो है, इस पद के बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉस ए ऐसे करके, ठीक है। तो कॉस ए इसके साथ टेन ए बनाएगा, तो आप सीधे लिखेंगे इसको, यहाँ पर जब भाग करेंगे तो साइन ए है ही, कॉस ए से भाग होगा इस पद में तो ये बन जाएगा टेन ए इंटू में चलेगा कॉस बी प्लस, ऐसे यहाँ कॉस ए से भाग होगा इस पद में तो कॉस से कॉस कट जाएगा, केवल बचेगा हमारा यहाँ पे साइन बी बटे, यहाँ भाग करेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टेन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस से इस पद में भाग करेंगे तो कट जाएगा कॉस से कॉस, यहाँ आ जाएगा केवल हमारा साइन बी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अंश और हर दोनों में कॉस बी से भाग करेंगे, अब अंश व हर में कॉस बी से भाग, ठीक है। अंश बाहर में कॉस बी से भाग तो क्या होगा, देखिए जब यहाँ भाग करेंगे इस पद में तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, केवल टेन ए बचेगा, टेन ए, लेकिन इस वाले पद में जब भाग होगी कॉस बी से तो कॉस साइन बी बटे कॉस बी क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा टेन बी बटे, यहाँ भाग करेंगे कॉस बी से तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल टेन ए माइनस, यहाँ कॉस बी से भाग करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा साइन बी बटे कॉस बी यानी कि टेन बी, और यही हमें लाना है, ठीक है। यही हमारा क्या है आर एच एस है, देखिए इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया 4D का।
क्वेश्चन नंबर 14 का ई, ठीक है, 14 का ई पार्ट है। दिया गया साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बी, अब बराबर लाना है हमें कॉट ए। तो हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं इसकी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए माइनस, इसका फॉर्मूला खोलेंगे। तो क्योंकि साइन ए माइनस बी के बाहर आगे माइनस है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे हम पहले एक छोटी सी। यह जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, अपॉन में अपॉन क्या चलेगा मेरा, यहाँ कॉस का फॉर्मूला बोलेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा फिर से, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा, देखिए अंत में यह जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन यहाँ देखिए देखिए क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट जो होंगे उन्हें कैंसिल आउट कर दे रहे हैं हम, तो साइन ए कॉस बी ये प्राइम में है प्लस में, साइन ए कॉस बी ये माइनस में, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कॉस ए साइन बी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो टू हो गया, ठीक। और हर में देखिए कॉस ए कॉस बी ये माइनस में है, कॉस ए कॉस बी ये प्लस में है, तो अंश में हमारा क्या बचा पहले वो देखिए, अंश में हमारे पास है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी दो बार, ये हो गया टू कॉस ए इंटू साइन बी प्लस हमारा चल रहा है कॉस ए बटे साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अंश से अगर हम कॉस ए का मान ले लें तो क्या बनेगा हमारा, अंश से कॉस ए का मान ले लें हम, तो देखिए अंश से कॉस ए का मान ले लेंगे तो कॉस ए का मान ले लिया हमने, क्या बनेगा टू साइन बी प्लस वन, ऐसे ही हर से हम कॉमन ले लेंगे हर में से, ठीक है।
हर से साइन ए कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, टू साइन बी प्लस वन। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगी हमारी, टू साइन बी से टू साइन बी कैंसिल, क्या बचा हमारा यहाँ पे, यहाँ बचा हमारा कॉस ए बटे साइन ए, जो किसके बराबर होता है, ये बचा हमारा कॉट ए के बराबर, कॉट ए। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है लेफ्ट आरएचएस में। ठीक है, चलिए करते हैं अपना अगला सवाल हम। क्वेश्चन नंबर 14 का एफ, इसमें हमें दिया गया कि साइन ए माइनस बी बटे साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी बटे में साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए बटे साइन सी इंटू ए बराबर ला के देना है 0। तो इसकी लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में साइन ए माइनस बी इसका सूत्र ओपन कर देंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अपॉन में हमारा रहेगा ये साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी प्लस यहाँ सूत्र खोलेंगे साइन बी माइनस सी का, तो साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, अपॉन में सूत्र खोलेंगे भाई, सॉरी सूत्र नहीं लिखा हुआ, जो लिखा हुआ लिख देंगे, साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए, सॉरी क्या सूत्र बोलेंगे इसका, साइन सी माइनस ए का, तो साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू इंटू साइन ए, अपॉन में वही साइन सी इंटू साइन ए। ठीक है, ये आ गए। अब देखिए साइन ए साइन बी को सबके पद में अलग अलग कर देंगे, मतलब इस साइन ए साइन बी को इसके बटे में लिखेंगे, साइन ए साइन बी को कॉस ए माने साइन बी के बटे में लिखेंगे, फिर किस तरह से, यहाँ से साइन ए इंटू कॉस बी बटे साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटे साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया, यानी साइन ए और साइन बी को इसके बटे में दिया और साइन ए साइन बी को इसके बटे में दिया, प्लस ऐसे ही साइन ए साइन बी साइन सी को इसके बटे में करेंगे और साइन बी साइन सी को इसके बटे में करेंगे अलग अलग, तो साइन बी और कॉस सी के बटे में साइन बी और साइन सी, माइनस का निशान ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, कॉस बी इंटू साइन सी बटे साइन बी इंटू साइन सी प्लस इसके बटे में भी अलग करेंगे, यानी इस वाले पद को इसके बटे में और इस वाले पद को इसके बटे में लिखेंगे, तो ये आएगा हमारा साइन सी इंटू कॉस ए बटे साइन सी इंटू साइन ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए बटे साइन सी इंटू साइन ए। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके चले थे हम। अब जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल कर दीजिए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और यहाँ पे साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल, और साइन ए से साइन ए कैंसिल, और जो रह गया वो लिख लीजिए।
कॉस बी बटे साइन बी ये बनेगा हमारा कॉट बी, माइनस कॉस ए बटे साइन ए ये बनेगा हमारा कॉट ए, प्लस साइन सी बटे कॉस सी बटे साइन सी ये बनेगा हमारा कॉट सी, माइनस कॉस बी बटे साइन बी ये बनेगा हमारा कॉट बी, प्लस कॉस ए बटे साइन ए ये बनेगा हमारा कॉट ए, माइनस कॉस सी बटे साइन सी ये बनेगा हमारा कॉट सी। अब यहाँ जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। देखिए तो कॉस बी यहाँ प्लस का है और कॉस बी यहाँ माइनस का, कॉट ए यहाँ माइनस का, कॉट ए यहाँ प्लस का, कॉट सी यहाँ प्लस का, कॉट सी यहाँ माइनस का, बचा सब कुछ हो गया हमारा यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया हमारा जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जी पार्ट, इसमें दिया गया है कॉट ए इंटू कॉट टू ए माइनस कॉट टू ए इंटू कॉट थ्री ए माइनस कॉट थ्री ए इंटू कॉट ए बराबर ला के देना हमें इसके वन। ठीक है, तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम कुछ थोड़ा अलग करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर थ्री ए जो होता है, थ्री ए को हम लोग टू ए प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, थ्री ए बराबर टू ए प्लस ए, ठीक है, ये होता है इतना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में टेन ले लेंगे, इधर भी टेन और इधर भी टेन, तो दोनों पक्षों में जब हम टेन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, सॉरी कॉट लेंगे, टेन नहीं, क्या लेंगे हम कॉट, तो दोनों पक्षों में कॉट ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थ्री ए, और इधर हो जाएगा कॉट टू ए प्लस ए। ठीक है, इधर कॉट टू ए का फॉर्मूला खोल देंगे हम, तो कॉट टू ए का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट ए इंटू कॉट बी, अभी की जगह यहाँ पे ए है, माइनस वन बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉट ए प्लस बी का। तो चूंकि ये ए की तरह, ये ए की तरह काम कर रहा है और ये बी की तरह, चलिए ठीक है, इधर चल रहा है हमारा कॉट थ्री ए। ठीक है, अब हम जो अपॉन में है हमारा ये, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर कॉट थ्री ए से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा, तो इधर हमारा कॉट थ्री ए ब्रैकेट में कॉट टू ए प्लस कॉट ए बराबर चल रहा है हमारा कॉट टू ए इंटू कॉट ए और माइनस का वन। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर हम, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थ्री ए इंटू कॉट टू ए प्लस कॉट थ्री ए इंटू कॉट ए बराबर यहाँ कॉट टू ए इंटू कॉट ए माइनस का वन। हम क्या करेंगे, इस माइनस वन को बराबर के साइड ले आएंगे, जबकि इन दोनों पदों को, ठीक है, इन दोनों पदों को हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, देखिए वन इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो वन उधर ले आए, ठीक है, बराबर इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कॉट टू ए और कॉट ए लिखा हुआ है, तो हो जाएगा हमारा ये कॉट टू ए इंटू कॉट ए, ये वाला पद प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉट थ्री ए इंटू कॉट टू ए, ये प्लस आए तो ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉट थ्री ए इंटू कॉट ए। ठीक है, अगर आप चाहे तो देखिए आपका आंसर यही आ गया, अगर थोड़ा अच्छा ढंग से लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ दे रहा हूँ, देखिए इस वाले पद को मैं आप इस तरह लिख दूंगा और एक को लिख दूंगा उस तरफ,
तो इसको हम कहेंगे कॉट ए इंटू टू ए, तो कॉट ए इंटू कॉट टू ए, ठीक है, कॉट ए आगे कर दे, टू ए पीछे कर दिया, माइनस कॉट टू ए आगे कर देंगे, थ्री ए पीछे कर देंगे यहाँ पे, तो कॉट टू ए इंटू कॉट थ्री ए माइनस कॉट थ्री ए इंटू कॉट ए बराबर में वन, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यही हमें लाके दिखाना था, ये आ गया हमारे इसके बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं हम लोग, 14 का क्वेश्चन नंबर एच, ठीक है, इसमें हमें दिया गया है कॉट ए माइनस कॉट टू ए और बराबर लाके दिखाना है हमें इसे कॉसेक टू ए, ठीक है, हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे इस सवाल की, लेफ्ट साइड हमारी क्या है कॉट ए माइनस कॉट टू ए, कॉट ए को लिख लेंगे हम लोग कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉट टू ए को लिखेंगे कॉस टू ए बटे साइन टू ए, ठीक है, लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पे अभी। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को लासा, चलो सही मिनट थोड़ा और विस्तार कर दें वरना आपको समझ में नहीं आएगा आगे, तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस टू ए बटे साइन टू ए को लिख सकते हैं टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो साइन ए और इधर टू साइन ए इंटू कॉस ए, इन दोनों पदों का एलसीएम जो आएगा वो टू साइन ए इंटू कॉस ए बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है, तो टू कॉस ए से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा टू कॉस ए का स्क्वायर कॉस ए और इनटू में कॉस ए और ऊपर है ये, ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस टू पहले से ही है कॉस टू ए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस टू ए का सूत्र खोल देंगे हम यहाँ पे, तो वो होता है हमारा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, अब बटन का चल रहा है हमारा टू साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वन बटे टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर ए से टू कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, अब यहाँ कितना बचा देखिए हमारा, यहाँ देखिए हमारा आंसर में बचा है वन बटा टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो अपॉन में हो गया ये वन अपॉन साइन टू ए, वन अपॉन साइन टू ए किसके बराबर होता है, ये आपको पता है कॉसिक टू ए, और यही है हमारा आर एच एस, ठीक है, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर आई है, इसमें कहा गया है टैन ए इंटू कॉट ए बाई टू
माइनस वन बराबर हमें लाके देना है सेक ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट साइड हमारी है एल एच एस में पी टेन ए इंटू कॉट ए बाई टू माइनस वन। टेन ए को हम क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस के रूप में, साइन ए बटे कॉस ए इंटू कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू और माइनस का वन। ठीक है, अब हम यहाँ इन दोनों को लासा लेंगे, इसके कौन बन मान सकते हैं, तो यहाँ का एलसीएम बनेगा, जो हमारा लासा बनेगा वो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए बाई टू। तो क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई है, एक ही पद है पूरा, तो आंसर में आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू माइनस, यहाँ एक है एक की गुणा इधर हुई थी और एक की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए बाई टू। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, यहाँ से साइन ए कॉस, इसको बी मान लें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं तो जाहिर सी बात ये फॉर्मूला साइन का होगा, तो ये साइन, और यहाँ माइनस है तो साइन में जो फॉर्मूले में होता है वही हमारा सूत्र यहाँ पे आएगा, तो साइन ए माइनस ए बाई टू और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा कॉस ए इंटू साइन ए बाई टू। अब साइन ए में से ए बाई टू हटाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए बाई टू अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए बाई टू। अब ये क्या होगा यहाँ पे, यहाँ ए बाई टू से ए बाई टू कैंसल, यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये वन अपॉन कॉस ए, और जो कि बराबर होता है sec a के, और यही हमारा क्या है, ये आर एच एस है, राइट हैंड साइड। ठीक है, sec a हमारा आता, यही हमारा आंसर है। चलिए करते हैं अगला सवाल इसका हम, अरे क्वेश्चन नंबर 14 का जे पार्ट है ये। ठीक है, इसमें दिया गया वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बराबर हमें ला के दिखाना है किसके, कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी बटे साइन ए माइनस बी के। ठीक है, तो इसके लिए हम सारा जो क्वेश्चन है इसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, तो एल एच एस इसमें लिखा है हमारा वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम लेके चले, हम इसमें क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि जो आपको आंसर लाना है उसमें a माइनस बी आ रहा है, जबकि यहाँ पर इस साइड में सब कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस a अपॉन b के लिए, a माइनस बी के लिए हम यहाँ पर गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम साइन a माइनस बी से गुणा और भाग करेंगे, तो गुणा में चाहे यहाँ लिख लें आप, गुणा में साइन a माइनस बी बटे यहाँ पर भी साइन से गुणा भाग, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी। ठीक है, इससे हमने गुणा भाग कर ली, अब क्या करेंगे इसे कि हम जो हमारा नया क्वेश्चन बढ़ेगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन, ठीक है, ये अपॉन में साइन ए माइनस बी से बिल्कुल बाहर कर ले रहे हैं हम, अपॉन के साइन ए माइनस बी को बिल्कुल बाहर कर रहे हैं, तो उसे लिखेंगे ऐसे करके वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसे ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ठीक है,
अब ये ऊपर वाला था वो यहाँ पे ले लिया। अब अंदर क्या क्या बचा देखिए, अंदर है हमारा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टिक चेंज और करेंगे अपनी तरफ से हम, वन अपॉन ये तो ऐसे चलता रहेगा साइन ए माइनस बी। अब देखिए अंदर ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसमें हम एक काम करेंगे, इस एक्स को जोड़ेंगे और एक्स को हटाएंगे। तो ए माइनस बी तो पहले से है, इसमें हमने एक्स जोड़ दिया और एक्स हमने घटा दिया, ठीक है। इतना काम चेंज और किया अपनी तरफ से हमने, और अब आगे बाकी नीचे से पूरा सवाल सेम रहेगा। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंश में क्या होगा हमारा, और देखिए अभी ये ऐसा चलता रहेगा, एज इट एज करती हूँ, साइन ए माइनस बी अंश में साइन, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे एक्स और ए को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए इस ब्रैकेट में नीचे एक्स माइनस ए है, तो हमें कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, इसको और इसको एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ, एक्स प्लस का एक्स माइनस का बी, तो उनको हम लिख ले रहे हैं एक साइड में यहाँ पे ऐसे छोटी ब्रैकेट में एक्स माइनस बी, ठीक है। अब रह गया हमारा ये माइनस का एक्स और ये प्लस का ए, माइनस का एक्स रह गया अभी और प्लस का ए रह गया, ठीक है। अभी इनका भी सही कर दे रहे इनको जरा हम, तो समझ लीजिए ब्रैकेट में लगा दें यहाँ पे। अभी नीचे चला है हमारा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। अभी हम जो कुछ बना रहे हैं नीचे को देख के बना रहे हैं, क्योंकि नीचे एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी बन गया। अभी यहाँ पे इसे एक्स माइनस ए बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अभी हम लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आगे ये हमारा यूं चलता रहेगा, जो वन अपॉन क्या लिखा है हमारा, ये साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट में चल रहा है साइन मजली ब्रैकेट उस छोटी ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस बी, यहाँ से अगर एक्स माइनस और यहाँ प्लस ए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें अगर हम, यानी माइनस एक्स से और ए से, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अंदर वो एक्स है वो प्लस का हो जाएगा और ए हो जाएगा हमारा माइनस। फिर समझिएगा कि हमने हमने यहाँ इन दोनों पदों में से माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स और ए में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारा, और ये मजली ब्रैकेट क्लोज, अपान में हमारा चल रहा है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखिए यहाँ पे अंश में ये साइन इस ब्रैकेट को आप ए मान के चले, माइनस इस ब्रैकेट को बी मान के चले, यानी कि अर्थात साइन ए माइनस बी का सूत्र अंश में आपको खोलना होगा, ठीक है। तो बहुत एक बटे साइन ए माइनस बी, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हम, तो साइन ये रहा हमारा ए इंटू कॉस ये रहा बी, ठीक
है, चूंकि यहाँ पे नहीं आ पाएगा, हम नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है, यहाँ से हटा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, सवाल करते हैं इसको हम, तो नेक्स्ट पेज पे ये चल रहा था हमारा यहाँ पे 1/2 साइन a-b बड़ी ब्रैकेट साइन, ठीक है, मझली ब्रैकेट, ब्रैकेट में था x-b माइनस x-a मझली ब्रैकेट बंद बटे साइन x-a इंटू साइन x-b, अब बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ये चल रहा था हमारा पीछे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देखिए साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस बी, सब कुछ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है, चल रहा है हमारा ये। अब हम यहाँ पर ये मैंने फिर बताया था आपको, इस ब्रेकेट को आप ए माने, माइनस इस ब्रेकेट को बी माने, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हमें ओपन करना है, 1/2 1/2 साइन ए माइनस बी, ऊपर देखिए साइन, ये रहा हमारा ए इंटू कॉस, ये रहा हमारा यहाँ पर अब बी, ठीक है। मैंने फिर बताया था आपको कि मैं सपोज करता हूँ, थोड़ी देर मान लो कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए का अर्थात ये ब्रैकेट, और साइन बी, साइन बी अर्थात एक्स माइनस ए की ब्रैकेट, और अपॉन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को दोनों पक्षों में अलग अलग कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 साइन ए माइनस बी, यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी माइनस का निशान कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, जो कैंसिल आउट होने कैंसिल कर देंगे। देखिए साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसल, यहाँ साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स ए माइनस कैंसल, जो बचा उन्हें लिख देंगे हम, तो क्या क्या बचा देखिए हमारा यहाँ पे 1/2 साइन ए माइनस बी, और यहाँ देखिए अंश में है कॉस एक्स माइनस ए, हर में है साइन एक्स माइनस ए, तो ये बन जाएगा हमारा कॉट एक्स माइनस ए माइनस अंश में है कॉस एक्स माइनस बी, हर में है साइन एक्स माइनस बी, तो ये बनेगा हमारा कॉट एक्स माइनस बी, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, ये बाहर बिल्कुल 1/2 सॉरी 1/2 साइन एक्स माइनस ए माइनस बी, तो यही हमारा हो जाएगा कॉट
एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी बटे साइन ए माइनस बी, ठीक है। और यही हमारा है आर एच एस, हमें यही आना था, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है जरूर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको एक बार यहाँ से अरे यहाँ तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का के, ठीक है, करते हैं। इसमें लेफ्ट साइड लेके चलते हैं हम लोग, एल एच एस पार्ट जो है हमारा, एल एच एस क्या दे रखा है हमारा, कॉट ए कॉट 2a प्लस कॉट 2a इंटू कॉट 3a प्लस 2, लेफ्ट साइड में लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे 2 आ रहा है, इस 2 को दो पार्ट बना लेंगे इसके, 1 प्लस 1, ठीक है। तो एक 1 लो लेंगे हम इस वाले हिस्से के साथ और एक 1 कर देंगे इस हिस्से के साथ। तो क्या सब क्या कितना होने का, देखिए हमारा कॉट ए इंटू कॉट 2a प्लस का 1, यानी इस 2 को मैं 200 में तोड़ दिया 1 प्लस 1 में, प्लस कॉट 2a इंटू कॉट 3a प्लस का 1, ठीक है। एक पार्ट हमारा ये रहेगा अब, और एक पार्ट हम इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि कॉट 2a इंटू कॉट ए प्लस 1 प्लस इसे लिख सकते हैं कॉट 3a इंटू कॉट 2a प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। आपने इस वाले टर्म को आप कहाँ देखेंगे, कॉट के फॉर्मूले में, ठीक है। जैसे अगर हमारा फॉर्मूला कोई रहा होता, सवाल आता होता कॉट 2a माइनस ए, तब हमारा मान यहाँ से क्या आता, कॉट 2a माइनस ए। तो इसको हम लोग क्या लिखते, कॉट 2a इंटू कॉट ए प्लस 1 बटे कॉट 2a माइनस कॉट ए, यही लिखते इस फॉर्मूले को, ठीक है। ऐसे ही ये वाला टर्म हमें कहाँ से मिलेगा, तो इस टर्म को प्राप्त करने के लिए आपको एक फॉर्मूला और लगाना होगा, देखिए, ठीक है। वो कौन सा है, छोटी सी लाइन खींचते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं, यहाँ तक। अगर हम एक फॉर्मूला लगाए इसमें कॉट 3a माइनस 2a, तो जो शुरुआत में हमें अंश में मिलेगा वो हमारा आएगा कॉट 3a इंटू कॉट 2a प्लस 1 बटे कॉट माइनस में है, माइनस वाला क्या बन जाएगा, ठीक है। माइनस में ध्यान देना होगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ बी माइनस ए होता है, उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे ये बी, ठीक है। यहाँ ए हो जाएगा ये वाला बी, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2a, ऐसे यहाँ पे कॉट 2a माइनस कॉट 3a, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इस पार्ट का मान अगर मुझे चाहिए तो दिखा ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे कॉट 2a प्लस ए, कॉट 2a इंटू ए प्लस 1, तो कॉट 2a इंटू ए प्लस 1, तो इसका मान कितना बनेगा यहाँ से देखिए, तो कॉट, अच्छा पहले कर देखिए अभी यहाँ थोड़ा सॉल्व कर दें, यहाँ कॉट 2a में से ये घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा कॉट ए बराबर कॉट 2a इंटू कॉट ए प्लस 1
बटे कॉट ए माइनस कॉट टू ए। अच्छा आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे क्या कर दिया, तो चूंकि सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉट ए माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बटे, सॉरी माइनस यहाँ प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके तो यहाँ ये ए है हमारा और ये बी है, तो नीचे अपॉन में बी आगे आ जाएगा और ए हमारा पीछे रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए दोबारा, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे कॉट 3 ए माइनस 2 ए करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट ए रह जाएगा केवल, और यहाँ से आएगा कॉट 3 ए इंटू कॉट 2 ए माइनस वन बटे कॉट 2 ए माइनस कॉट 3 ए, ठीक है। अब हम जो हमें मान चाहिए उनका मान देखिए, हमें चाहिए इस ब्रैकेट का मान कॉट 2 ए इंटू ए प्लस वन, कॉट 2 ए इंटू ए प्लस वन का अगर मान निकालना इस ब्रैकेट को आपको इधर भेजना होगा, इस वाले को जब आप इधर भेजेंगे, ठीक है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई होगी इस केस से, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कॉट 2 ए इंटू कॉट ए प्लस वन का जो मान बनेगा, ये वाली ब्रैकेट जाएगी इसके पास गुणा करने, तो गुणा करेंगे इससे तो पहले आएगा आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए इंटू कॉट 2 ए। ऐसे ही यहाँ से अगर आपको इस वाली ब्रैकेट का मान चाहिए तो वो मान मिलेगा, देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी प्लस, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, तो इस वाले को आप प्रण को आप इधर भेज देंगे, इस वाले पद को इधर भेजेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे यहाँ से जो हमारा कॉट 3 ए इंटू कॉट 2 ए प्लस वन का जो मान बनेगा, जब इस वाली ब्रैकेट को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए इंटू कॉट 2 ए माइनस, इसमें मल्टीप्लाई से भी होगी, तो ये आएगा हमारा कॉट ए इंटू कॉट 3 ए, ठीक है। तो हमारे जो जो मान आए हैं इस ये वाला पद, इसका मान ये है और इस वाले पद का मान ये है, तो दोनों के मान यहाँ रख देंगे समीकरण में अपने, ठीक है, क्या समीकरण नंबर डाल दें यहाँ पे 1। तो प्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक अगर फर्स्ट में मान रखो चल के इसके, तो इसके मान आ जाएंगे यहाँ पे, आ जाएगा हमारा देखो इस ब्रेकेट की जगह पे आएगा हमारा ये वाला मान, तो रखेंगे हम कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए इंटू कॉट 2 ए प्लस यहाँ वाली ब्रैकेट है इसकी जगह पे आएगा ये वाला मान, तो कॉट ए इंटू कॉट 2 ए माइनस कॉट ए इंटू कॉट 3 ए, ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे, तो कॉट ए कॉट 2 ए और कॉट ए कॉट 2 ए कैंसिल आउट हो गए, बचा है हमारा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए इंटू कॉट 3 ए, तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, इन दोनों पदों में कॉट ए कॉमन है, ठीक है, तो कॉट ए हम कॉमन ले लेंगे, तो इस वाले यहाँ से क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा माइनस, यहाँ से कॉट ए चला जाएगा तो केवल कॉट 3 ए बचेगा, कॉट 3 ए, और ये आ गया हमारा इसका आंसर, ये हमारा है आर एच एस, देखिए कॉट ए कॉट माइनस कॉट 3 ए, ठीक है, यही हमारा है आर एच एस। तो ये जो हमने जितना भी किया है ये सब हमारा जो है इसमें आएगा, ये आपको एक्स्ट्रा समझाने में चला गया लिखा है हमने ये, ठीक है,
आपको ये कॉपी में रख दिखा देंगे, कॉपी में पेपर में अगर आता है तो। ठीक है, ये रहा हमारा, इस हमारा समझाने के लिए था इतना सवाल। आपका यहाँ से सीरीज के बाद यहाँ से आ जाएगा, लेकिन आपको इस ब्रैकेट का मान मिला कहाँ से इतना, तो आपको यहाँ लिखना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 के सभी सवाल हो गए हमारे। चलिए अब करते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि टेन बी बराबर है एन साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ए, तो सिद्ध करो कि टेन ए माइनस बी का जो मान है 1 माइनस एन इंटू टेन ए के बराबर आएगा। मतलब हमें इस टेन ए माइनस बी को इसके बराबर दिखाना है, तो जो हमें सिद्ध करना है टेन ए माइनस बी बराबर 1 माइनस एन टेन ए, तो इसमें हम एल एच से लेके चलेंगे यहाँ से टेन ए माइनस बी को। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं इसकी हम, जो सिद्ध करना है। तो एल एच एस यानी कि कौन सा हमारा, ये है टेन ए माइनस बी को हम लेके चल रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जहां जहां टेन बी आया है वहां पर टेन बी का मान रखेंगे, जो भी टेन बी का मान दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, और टेन ए को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, तो पहले इसका बराबर हटा दें ये, क्योंकि सवाल थोड़ा, तो टेन ए को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस टेन बी का मान लिखेंगे, टेन बी का मान है एन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ए, और ये है हमारी ये जो लाइन ये वाली है, इस अपॉन की लाइन बटे, मैं बराबर लगा दे रहा हूँ, 1 प्लस टेन ए को फिर लिखेंगे हम भाई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटा कॉस ए इंटू, फिर से इसका टेन बी का मान रखेंगे, तो इंटू में है ये एन साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ए, इतना बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस ए अपॉन में है और ये कॉस ए अंश में है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ फिर से देखिए हम अंश में यहाँ लासा लेके सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेंगे अंश में भी और हर में भी, तो हमारा एलसीएम बनेगा, देखिए पहले अंश को सॉल्व करते हैं हम, तो अंश का एलसीएम बनेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सही करके लिख लो ये, और सही थोड़ा पैसा लिख दिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर थोड़ा सही करके लिख लो, दे रहा यहाँ लिखेंगे हम साइन ए बटे कॉस ए, ऐसे ही यहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए, अब गुणा में ये चलेगा ऐसे करके। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसे ना कैंसिल ना भी करें, आप चाहें तो कैंसिल कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चलो, हाँ यहाँ से कैंसिल नहीं करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से भी इसको ऐसा ही रखते हैं, थोड़ा आराम रहेगा आपके लिए, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये कॉस ए। अब देखिए अंश का लासा लेंगे, तो एलसीएम अंश में हमारा एलसीएम बनेगा
ए इंटू वन माइनस एन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों की गुणा करके हमने लासा ले लिया है। अब हम इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा अंश में वन माइनस एन साइन स्क्वायर ए। इसकी गुणा इधर करेंगे तो एन साइन ए, अब कॉस की गुणा कॉस इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब आते हैं हर में, हम हर को सॉल्व करते हैं। हर का लासा देखिए कितना बन रहा है, तो हर का भी लासा आपका यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक है, तो इसे एक बटे एक मान लेंगे, तो इन दोनों का लासा भी क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर भी लासा बनेगा कॉस ए वन माइनस एन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस पूरे पद को गुणा करेंगे एक से और एक की गुणा करेंगे इधर, तो यहाँ पे आएगा हमारा कॉस ए ब्रैकेट वन माइनस एन साइन स्क्वायर ए, यानी ये चूंकि दोनों गुणा में है तो ये एक ही पद माना जाएगा इधर, तो इसकी गुणा एक से हो गई और एक की गुणा करेंगे हम इससे, ठीक है। देखिए क्या हुआ, समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो है इस वाले की गुणा होगी हमारी, ठीक है, वो हम गुणा करेंगे इधर वन से आके इधर, और इस वन गुणा करेंगे इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए, अब प्लस यहाँ आ जाएगा साइन ए इंटू इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये सॉरी इसकी इससे गुणा हो जाएगी, वन की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एन, और ये साइन स्क्वायर ए क्योंकि इसको वैसे से होनी है, और इनटू में आएगा हमारा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए हर से हर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर कॉस ए माइनस वन माइनस ए रखा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब अंश में जो बचा है अंश को सॉल्व करते हैं हम, तो अंश को सॉल्व यही कर दे रहे हैं, पर ना नेक्स्ट वीक में दिक्कत होगी। ये मेन लाइन अपॉन की है हमारी, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ हमारा बच्चा है, क्या बच्चा देखिए यहाँ पे वन माइनस एन साइन स्क्वायर ए माइनस एन साइन ए। अच्छा इसे कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, इस कॉस ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा कॉस ए माइनस एन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस एन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। कितना अच्छा देखो हो गया यहाँ पे कि एन साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस का एन साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया ये भी। अब अंश में देखिए फिर से गुणा करेंगे हम, अंश में और सॉल्व करेंगे एक बार, तो वन माइनस एन साइन स्क्वायर ए इसके अंदर गुणा करेंगे
माइनस एन साइन ए माइनस का अंदर वहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमारी एक अभी मिस्टेक हुई है कि इसकी मल्टीप्लाई जब साइन से करेंगे, इस वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे इनटू में, यहाँ पर साइन ए भी तो आएगा, ये वाला जो साइन ए है वो यहाँ लिखा जाएगा, तो साइन ए यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये साइन ए, और साइन ए की मल्टीप्लाई इस पर से करेंगे तो हो जाएगा ये साइन क्यूब ए, तो यहाँ पे आएगा साइन ए और यहाँ बनेगा साइन क्यूब ए, साइन ए एंड साइन क्यूब ए माइनस एन साइन ए माइनस माइनस प्लस एन साइन क्यूब ए अपॉन में क्या चल रहा है, केवल हमारा कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एन साइन क्यूब ए से एन साइन क्यूब ए कैंसल, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, देखिए अंश में, तो साइन ए माइनस एन साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा अंदर, वन माइनस एन अपॉन में चल रहा है हमारा कॉस ए, यहाँ पे ए साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, ये हमारा टेन ए और चलेगा वन माइनस एन, और यही हमारा क्या है भाई, आर एच एस आंसर, यही हमारा है आर एच एस, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, यदि टेन ए प्लस बी बराबर एन टेन ए माइनस बी है तो सिद्ध करें एन प्लस वन साइन टू बी बराबर एन माइनस वन साइन टू ए, ठीक है। तो जो हमें दिया गया है इसको लेकर चलते हैं हम लोग, सोल्यूशन लिखेंगे अपना यहाँ पे। सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ टेन ए प्लस बी बराबर एन टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी दिया गया है, तो टेन ए माइनस बी को हम इस पक्ष में ले आएंगे इधर इसके अपॉन में, तो ये बन जाएगा टेन ए प्लस बी बटे टेन ए माइनस बी, ये रह जाएगा एन, एन के अपॉन ले सकते हैं हम यहाँ पे एक, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टेन को साइन और कॉस में लिखेंगे, इस वाले टेन को भी साइन और कॉस में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ठीक है। मुख्य लाइन अपॉन की ये मेन लाइन है, वैसे इस वाले को लिखेंगे तो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी बराबर एन अपॉन वन, ठीक है। आपको पता है सबसे नीचे होता वो जाता है सबसे ऊपर जाता है, और ये वाला इसके पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा इस कॉस ए माइनस बी को सबसे ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये बनेगा हमारा साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में, ठीक है। ये पहुंचा सबसे ऊपर था तो ये वाला आ जाएगा इस इसके पास, तो इसे हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू साइन
ए माइनस बी बराबर एन। ठीक है, अब ये कुछ हमें एक सूत्र नजर आ रहा है कि ये साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तब इसको सूत्र के फॉर्म में लेके आते हैं जिससे कि आपको एकदम स्पष्ट लगने लगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे यहीं पर इसको फिर इसको ब्रेक डाउन कर लेना, तो इसको में तोड़ लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस रंग को दबा लेते हैं यहाँ पे हम साइन साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है जो है यहाँ पर कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ हुआ जो है इसमें हम 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो जो 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा यहाँ हो जाएगी और 2 से गुणा इस पद में हो जाएगी, और जो भाग करेंगे वो भाग वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस ब्रैकेट में 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, जो गुणा करेंगे अंश में तो वो यहाँ पे भी आ जाएगी और भाग वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। ऐसे ही हर में करेंगे हम, तो हमारा हर में चल रहा है ये देखिए कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ पर भी हम इस ब्रैकेट में 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, 2 से करेंगे भाग, जो गुणा वाला है वो अंदर पहुंच जाएगा, ये 2 से गुणा कर लेगा, अब बटे वाला दोनों में नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए हम, 2 से गुणा यहाँ हो जाएगी, तो 2 से गुणा यहाँ हो जाएगी और बटे में आ जाएगा इसके 2, ऐसे ही 2 से गुणा यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी और बटे में आ जाएगा। अभी भी ये थोड़ा सूत्र कम है अभी, तो क्या करेंगे इसमें हम एक और कम करेंगे अंश और हर में, अंश में 2 से गुणा करेंगे अपनी तरफ से और हर में 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा सूत्र बन गया हमारा, 2 साइन इसको सी मान लें या डी, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, साइन सी माइनस डी का, अर्थात यहाँ पे सी का काम कर रहा है ये और डी का काम कर रहा है ये, तो ये बन जाएगा हमारा कि साइन सी सी अर्थात 2a प्लस साइन डी अर्थात साइन 2b अपॉन कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये है साइन सी माइनस डी साइन डी का, अर्थात साइन सी हमारा यहाँ पे 2a है माइनस साइन डी हमारा 2b है। ठीक है, अच्छा हाँ अपॉन में क्या चल रहा था हमारे साथ में, यहाँ पे वो चल रहा था ये एन बटे 1, तो यहाँ पे ये एन अब बटे में 1 चलता रहेगा। ठीक है, एन बटे 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा एन बटे 1। अब हम यहाँ पे लगाएंगे योगा अंतरानुपात नियम, योगा अंतरा अनुपात नियम। योगा अंतरा अनुपात नियम क्या कहता है कि पहले आप अंश और हर को योग कर लें, अंश और हर का योग करेंगे आप, अंश में हर को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस अंश में हर जोड़ेंगे तो ये साइन 2a माइनस साइन 2b अपॉन, अब अंश में से हर घटाएंगे, अभी हमने अंश और हर को जोड़ा अब अंश में से हर घटाएंगे तो ये लिखा जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस, इसको हटाएंगे तो ये पहले तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ऐसा लिखा जाएगा ये ब्रैकेट लगा के, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा साइन 2a
और यहाँ पे माइनस का हो गया और ये माइनस वाला हो जाएगा यहाँ पे अब प्लस साइन 2b। और ये नियम हमारा दोनों पक्षों में लगता है, तो पहले अंश और हर जुड़ेंगे यहाँ पे, अंश में हर जोड़ेंगे हम n प्लस वन, अब अंश में से हर घटा देंगे n माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा साइन 2b से साइन 2b कैंसल, साइन 2a से साइन 2a कैंसल, क्या बचा हमारा, ये साइन 2a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये हो गया हमारा 2 साइन 2a बटे 2 साइन 2b बराबर n प्लस 1 बटे n माइनस 1। यहाँ हमारा 2 से 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, n माइनस इसको इधर भेजेंगे साइन 2b को n प्लस 1 से, तो ये बनेगा हमारा n प्लस 1 और साइन 2b, ऐसे ही इसको इधर भेजेंगे तो ये बनेगा n माइनस 1 साइन 2a। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया, देखिए। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आपका ये टर्म बन जाए तो आप यहाँ पे 2 से गुणा, 2 से भाग, चाहे तो आप यही कर ले, देखो यदि आपका बन गया तो 2 से गुणा और 2 से भाग, यहाँ ऐसे यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग, ऐसे यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग, और एक 2 से गुणा भाग करेंगे आप यहाँ पे ये वाली। ठीक है, अंश में और हर में, इससे इससे देखो आपको पता है कि मैथ में हम अपने गणित में गुणा और भाग कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, इसे भी कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन इससे हमारा जब हमने ऐसा काम किया तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको कल करा देंगे हम, आज के लिए इतना ही।